गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस श्रीनेश रमेश बिंदुकिनी। आज वैलेंटाइंस डे है और इस मौके पर मैं आपके सामने पेश करता हूं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है जॉर्ज और जेनिफर। जी हां, ये दो किरदार है इस कहानी के जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को जिसका नाम है जॉर्ज और जेनिफर। आज 14 फरवरी, घड़ी के कांटों ने सुबह को चूमा और सूरज की किरणों ने जॉर्ज को बिस्तर पर आवाज दी, मगर नींद तस से मस न हुई। कुछ हस्ती खेलती तस्वीरें वही अलमारी के आईने पर जॉर्ज को ताके जा रही थी और फिर मोबाइल फोन की चीख ने महाशय के सपनों पर विजय पा लिया। देरी का अंदाजा लगाते हुए जॉर्ज ने अपने आप को दो लपट लगाई। बिस्तर से उतरते हुए नजर आईने पर पड़ी और जेनिफर की ओर बढ़ते हुए जॉर्ज मुस्कुराया। आज का दिन कुछ खास था। तैयार होकर जॉर्ज जेनिफर से मिलने निकला, फूल खरीदे और एक प्यारी सी अंगूठी। काफी सारे बहाने लेकर जॉर्ज जेनिफर के पास पहुंचा, मगर मौसम आज कुछ रूठा सा था। जॉर्ज ने बहुत कोशिश की लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फूलों को आगे कर प्यार भरे अंदाज में जॉर्ज ने माफी मांगी। एक शरारत भरी हंसी दूसरी ओर से आई और फिर उन फूलों को जॉर्ज ने कब्र पर रख दिया। 2 साल पहले जिस तरह जॉर्ज ने अपने दिल की बात जेनिफर को बताई थी, ठीक उसी तरह आज भी घुटनों के तले बैठ अंगूठी देते हुए वो बोला, विल यू बी माई वैलेंटाइन टूडे एंड फॉर ऑल द डेकेड्स दैट आर अबाउट टू कम। उंगलियों को छूती हुई अंगूठी दिल के पार हो गई और अपनी बाहों में लेते हुए जॉर्ज ने जेनिफर को सीने से लगाया। हर बार की तरह वो हंसे, लड़े, ढेर सारी बातें की। दोपहर से शाम हुई, आंखों में आंखें डूबती गई। बादलों ने इशारा किया, हल्की बूंदों ने नैनों से अलविदा कहा। समा बीतता रहा और वही रुका रहा जॉर्ज उस कब्र के पास, क्योंकि कुछ एहसास हमेशा साथ रहते हैं, जॉर्ज और जेनिफर की तरह। तो ये थी जॉर्ज और जेनिफर की प्रेम कहानी। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया है और ये कहानी उस प्यार के नाम है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बाय बाय।